Hello, Vachu. Let's write the question. A particle has an initial velocity of 4 I cap plus 3 j cap and an acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is. So, हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 I cap plus 3 j cap. So, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें क्या दे रखे हैं? 4 I cap plus 3 j cap. ठीक है, यानी कि ये क्या है? इनिशियल x कॉम्पोनेंट और ये क्या है? इनिशियल y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप. ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. ठीक है, हमें पता है स्पीड आफ्टर 10 सेकंड्स. अब देखो, हमें स्पीड निकालनी आफ्टर 10 सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी आफ्टर 10 सेकंड. एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा, एक वाई कॉम्पोनेंट होगा. जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा आफ्टर 10 सेकंड वो क्या हो जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ठीक है, अब देखो x कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे. वी एक्स वुड बी इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं एक्स और वाई दोनों में लगा दूंगी तो मुझे वी एक्स वी वाई कॉम्पोनेंट मिल जाएगा. अब देखो यू एक्स की वैल्यू क्या है? 4 प्लस में ए एक्स की वैल्यू क्या है? 0.4 इंटू में टी की वैल्यू कितनी है? 10 सेकेंड के बाद निकालना है. ठीक है, तो 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8. और वी वाई कैसे निकालेंगे? यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी. यू वाई की वैल्यू क्या है? 3. ठीक है, ये जो यू एक्स है यहाँ पे 4 है, यू वाई 3 है. ठीक है, और इस इक्वेशन से ए एक्स क्या हमारा 0.4 और ए वाई क्या हमारा 0.3. ठीक है, तो यू वाई की वैल्यू 3 प्लस में 0.3 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 ये आ जाएगा 6. ठीक है, सो यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी आपकी, अभी वेलोसिटी वेक्टर हम निकाल रहे हैं आफ्टर 10 सेकेंड, तो ये आ गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप. ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया आफ्टर 10 सेकेंड. से स्पीड कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसकी स्पीड. ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर. ठीक है, ये आएगा आपका 64 प्लस में 36 रूट 100, यानी कि 10 यूनिट. ठीक है, तो इसकी स्पीड जो आ जाएगी आफ्टर 10 सेकेंड्स वो कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट्स. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया पहले, हमने हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा था और एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा था. सो हमने आफ्टर 10 सेकेंड्स वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हमने स्पीड निकाल ली आफ्टर 10 सेकेंड, जो कि हम देख सकते हैं किसने गिवन है ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.